दोस्तों, अगर आप भी डेविड वार्नर और राशिद खान को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राशिद खान के तिरंगा फहराने पर डेविड वार्नर ने दिया क्रिकेट जगत को हिला देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के महान गेंदबाज राशिद खान ने पाकिस्तान को हराने के बाद बीच मैदान पर भारत का झंडा फहराया, जिसके बाद दुनिया के तमाम दिग्गज और खिलाड़ियों का बयान सामने आया है। इस दौरान डेविड वार्नर ने राशिद खान के द्वारा दी गई इस हरकत पर प्रतिक्रिया दी और राशिद खान के साथ भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके पैरों जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार डेविड वार्नर ने राशिद खान के द्वारा की गई झंडा फहराने की हरकत को देखकर क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, डेविड वार्नर और राशिद खान और रोहित शर्मा में कौन महान खिलाड़ी है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के अंदर दिन प्रतिदिन रोमांच की सारी हदें पार हो रही है। इस दौरान हाल ही में खेले गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मैच में अफगानिस्तान की टीम ने चेन्नई के मैदान पर पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया, जहां पर अफगानिस्तान की टीम ने वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ पहली जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत के बाद अफगानिस्तान के खेमे में जश्न मना, जहां पर अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में डांस किया। साथ में राशिद खान ने बीच मैदान पर इरफान पठान के साथ डांस किया और भारतीय सपोर्टर्स का धन्यवाद करते हुए अफगानिस्तान के झंडे के साथ भारत का तिरंगा झंडा भी लहराया, जिसको देख कर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी डेविड वार्नर ने राशिद खान का समर्थन किया, साथ में भारत की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जो आपके भी दिल को छू लेगा, जिसमें डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा कि राशिद खान के द्वारा भारत का झंडा फहराने वाली घटना कोई ज्यादा बड़ी घटना नहीं है। इस मुद्दे पर बिना वजह बातचीत हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरीके से राशिद खान ने कारनामा करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने का काम किया है, उसके मनोबल को डाउन करने के लिए ये विवाद उत्पन्न किया गया है। साथ में भारतीय टीम के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए ये काम किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि राशिद खान ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद भारत के झंडे को लेकर प्रदर्शन किया और वो नॉर्मल मुद्दा है। सभी को मालूम है कि राशिद खान दुनिया के सबसे महान गेंदबाज हैं और शायद इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा भी देखने को मिला, लेकिन इस तरीके से उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे वो अपने गेम के विपरीत चले जाएं और इस वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन ना कर पाए। हालांकि टीम का काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इस पर ज्यादा विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक पर्सनल चॉइस है। इस पर बिना किसी बात के कोई भी विवाद नहीं पैदा होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राशिद खान ने जीत के बाद भारत का झंडा फहराया है, वो उनकी व्यक्तिगत पसंद है क्योंकि वो जानते हैं कि भारत कितना बेहतरीन देश है और किस तरीके से भारत की जनता उनको प्यार करती है। सिर्फ राशिद ही नहीं बल्कि मैं भी भारत को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे मालूम है भारत की धरती पर खेलने में आपको कितना ज्यादा आनंद आता है, लेकिन किस तरीके से नेगेटिव विचार डालकर इस घटना को और भी ज्यादा बड़ा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि राशिद खान ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया है क्योंकि उन्हें दुनिया में पहचान दिलाने में भारत का बड़ा हाथ है। अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ी भारत में रहकर बड़े हुए हैं और भारत में क्रिकेट का अभ्यास करते हुए इतनी मजबूत टीम बना पाए हैं। ऐसे में उनके हिसाब से अफगानिस्तान के बाद भारत उनका दूसरा देश है और इसी तरीके से मेरे लिए भी ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दूसरा देश है क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा प्यार मिलता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि राशिद खान ने कोई गलत काम किया है। अगर मैं राशिद खान की जगह पर होता तो शायद मैं भी भारत का झंडा फहरा देता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राशिद खान का भारत का झंडा फहराना सही था या गलत, कॉमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।